हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री हमेशा अपनी कार्यशैली और बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और सीएमओ कार्यालय के बीच की तल्खियां हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। अनिल विज से स्वास्थ्य विभाग छिन सकता है। चर्चाएं हैं कि विज काफी समय से स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर साइन नहीं कर रहे हैं। विज हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विज ने सिर्फ दो शब्दों में सवाल को टाल दिया। ईडी ने केजरीवाल को नोटिस दिया था कि वो 2 नवंबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन केजरीवाल ईडी के इस नोटिस को राजनीतिक नोटिस करार दिया और ईडी कार्यालय केजरीवाल नहीं गए, जिसके बाद केजरीवाल अनिल विज के निशाने पर आ गए। विज ने केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से ये सत्ता में आए हैं, ये किसी भी संवैधानिक संस्था को मानते नहीं हैं और हमेशा उसका विरोध करते हैं। केजरीवाल डर गए हैं, अगर वो सही होते तो ईडी पहुंचकर जवाब देते। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के 9 साल पूरे होने पर कहा कि भाजपा सरकार आधी झूठी, आधी लाचार, आधी भ्रष्टाचार और पूरी बेकार है, जिसके जवाब में अनिल विज ने कहा कि हुड्डा ने 10 साल हरियाणा पर राज किया और उनके अनेकों भ्रष्टाचार, सस्ते दामों पर बिल्डर को दी गई जमीन, उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं और अब उनका जेल जाना तय है। हुड्डा सब अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अनिल विज ने एक बयान दिया था कि हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार करवा रखा है, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया था कि पहले अम्बाला की सड़कें बनवा लो, जिसको लेकर विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि अम्बाला की सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है और अम्बाला की सड़कें तो बन रही है, लेकिन आपके पिताश्री के लिए जेल में कमरे की जरूरत है, वो बन रहा है। नो कमेंट्स। अखबारों में कहा जा रहा है कि अनिल विज जो है वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलें साइन नहीं कर रहे। नो कमेंट्स। नहीं, ये ऐसा है कि ये जब से वजूद में आए हैं, इन्होंने किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको माना नहीं है और हमेशा उनका विरोध किया है। उसी प्रकार से अब ये ईडी का विरोध कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो डर गए हैं। अगर वो साफ पाक है तो उनको जाके जवाब देने चाहिए थे, लेकिन वो डर गए हैं इसलिए इस प्रकार का तरीका अपना रहे हैं। अब हुड्डा साहब, जिन्होंने 10 साल प्रदेश पर राज किया और अनेकों भ्रष्टाचार के केस किए, किसानों की सस्ती जमीनें लेकर बिल्डर्स को दी और कई काम किया और उन पर केस भी चल रहे हैं और उन केसों के कारण इनका जेल जाना भी तय है। अब ये अपनी घबराहट को छुपाने के लिए कैमोफ्लेजिंग कर रहे हैं और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये इनको कुछ लोगों ने इतने गलत काम कर रखे हैं कि उनको दिन में रात में एक ही सपना आता है, वो आता है ईडी का। तो जिसने गलत कर रखे हैं उसको तो ईडी का आना ही चाहिए।